अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अजीम अकरम आईटी एंड इन्फो वर्ल्ड। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो बनाने का मकसद, असल में ज़्यादातर लोगों को एक इशू आ रहा होता है, चंद एक स्टूडेंट्स को भी इशू आ रहा होता है कि हम जीमेल का अकाउंट बना तो लेते हैं, लेकिन अर्जी तौर पर हम बनाते हैं, लेकिन बाद में हम को उसका पासवर्ड वगैरह याद नहीं रहता, हम उसको भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जीमेल के अकाउंट का जो पासवर्ड है, जो कि आप भूल चुके हैं, हम उसको कैसे रिकवर करते हैं। एक मरतबा मैं फिर आपको बताता चलूं कि एंड्रॉयड मोबाइल जो है, पीसी कंप्यूटर या कोई भी, अगर हम सर्च इंजन वगैरह यूज़ करें तो विदाउट गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट, इसके बगैर हम इसको चंद एक चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये जो जीमेल का अकाउंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बाकायदा। तो सबसे पहले आपने किसी भी सर्च इंजन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने सेम, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ आप टाइप करें www.gmail.com, तो इसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर लें। यहाँ से आप गूगल लॉगिन साइन इन गूगल अकाउंट्स कर लें। आप देखें फ्रेंड्स के मेरा इधर पहले से एक अकाउंट बना हुआ है। अगर मैं लेट्स सपोज इधर पासवर्ड वगैरह भूल गया हूँ, तो मैं अगर नेक्स्ट वगैरह करता हूँ तो ये आगे नहीं जा रहा। आप ये देखें, ये रॉन्ग पासवर्ड गया है तो ये आगे नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ से करता हूँ, उस पासवर्ड को दोबारा एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अनदर वे करें कि मुझे जो लास्ट पासवर्ड डाला था वो मुझे याद नहीं है। इस जगह पर आपने एक मोबाइल नंबर आप पुट करेंगे। असल में मैंने इससे पहले भी नंबर वगैरह पुट किया था, ये आप देख सकते हैं कि गूगल सेंड ए नोटिफिकेशन टू अवे, जो मेरा मोबाइल है उधर नोटिफिकेशन वगैरह सेंड हो गई है मेरे। तो मैं एक और करता हूँ कि एन अदर वे, ये देखिए फ्रेंड जो मैंने पुट किया था फ़ोन नंबर मेरा इधर ये शोर हो रहा है। तो अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपके पास, तो उधर एक कोड आएगा, तो कोड आपने दोबारा इधर फिर ट्राई करना है या फिर आप कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी कोड आपके मोबाइल या सेलफोन में आता है, जो कि गूगल जीमेल वालों की तरफ से आपकी तरफ सेंड करते हैं कि आप दोबारा से, असल में उन्हें चूँकि वेरिफिकेशन करनी होती है कि वाकई ये नंबर उसके पास है, वेरिफिकेशन के बाद वो जो जीमेल का अकाउंट है वो आपको साइन इन वो एक्सेस कर देते हैं, इसके बाद आप इजीली उसको यूज़ कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल को, जो कि अजीम अकरम IT एंड इन्फो वर्ल्ड के नाम से है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इधर इसी चैनल पर ही IT और इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं, जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूंगा, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो और IT की भी वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। तो आखिर बार आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और साथ ही जो बेल की घंटी है सब्सक्राइब के साथ, उसे भी दबा दें, ताकि जब मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपकी तरफ पहुँचे। ओके, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। ओके।
ओके, अल्लाह हाफिज़।